कर्नाटक के नाटक का क्लाइमैक्स, बचेगी या जाएगी कुमार स्वामी सरकार? 16 बागियों के इस्तीफे के बाद सदन में आज शक्ति परीक्षण। वोटिंग से पहले जेडीएस ने जारी की व्हिप, सभी विधायकों को सरकार के पक्ष में वोट करने का आदेश। बागी विधायकों को मिली विश्वास मत में शामिल होने या नहीं होने की आजादी, नहीं लागू हो पाएगा व्हिप। कांग्रेस के एक बागी विधायक की वापसी उम्मीद, रामालिंगा रेड्डी कांग्रेस में बने रहेंगे, इस्तीफा लेंगे वापस। टोर्चेस से पहले कांग्रेस का एक और विधायक बालासाहेब पाटिल गायब, तलाश में जुटे कांग्रेसी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बागी विधायक नहीं लेंगे वोटिंग में हिस्सा, ज्यादातर विधायक मुंबई के होटल में ही मौजूद। कांग्रेस के बागी विधायक के सुधाकर मुंबई से लौटे बेंगलुरु, बेटी को डेंगू है उनकी वजह से घर लौटे वापस, वोटिंग में नहीं होंगे शामिल। बगावत से पहले सरकार को था 119 विधायकों का समर्थन, कांग्रेस के 79 जेडीएस के 37 सहित दो निर्दलीय एक बीएसपी विधायक के साथ। बगावत के बाद कांग्रेस के पास स्पीकर सहित बचे 66, जेडीएस के पास 34, सरकार की ताकत घटकर हुई 101, दो निर्दलीयों के पाला बदलने से बीजेपी हुई 107। फ्लोर टेस्ट से पहले कुमार स्वामी और देवेगौड़ा को याद आए भगवान, वहीं सरकार की उम्मीद लगाए येदियुरप्पा, गंगाधर ईश्वरा मंदिर में मांगी पुरात। कर्नाटक और गोवा के बाद मध्य प्रदेश में सचेत कांग्रेस, 11 दिनों में तीसरी बार सीएम कमलनाथ ने विधायकों के साथ की बैठक। बैठक में सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक भी पहुंचे, इससे पहले 11 जुलाई को डिनर पर मिले थे विधायक। अयोध्या केस में आज अहम दिन, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामले की 25 जुलाई से रोजाना सुनवाई होगी या नहीं। आज मध्यस्थता कमेटी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को सौंपेगी प्रगति रिपोर्ट, रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर रोजाना सुनवाई पर फैसला मुमकिन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में बनी थी मध्यस्थता कमेटी, आपसी सहमति से मसले को सुलझाने की कोशिश। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश से दरका पहाड़, कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक हुआ बंद, इस रूट पर चलने वाली 3 ट्रेनें रद्द। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उफान पर भागीरथी गंगा, निचले इलाकों में अलर्ट, प्रशासन मुस्तैद। देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों और गलियों में भरा पानी। पंजाब के पटियाला में बारिश से शहर की सूरत हुई बदहाल, घरों और दुकानों में भरा पानी, स्कूल बंद। बिहार के कटिहार में महानंदा का कहर, तेज लहरों में बह गया पुल, कई गांवों में भरा पानी। असम में ब्रह्मपुत्र का तांडव, 32 जिलों में बाढ़ से त्राही त्राही, करीब 58 लाख लोग बेघर, अब तक 30 की मौत। बाढ़ में करीब 5,000 गांव डूबे, 1,73,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह। एनडीआरएफ एसडीआरएफ राहत में जुटी, 427 राहत कैंपों में बाढ़ प्रभावितों ने ली शरण, 392 खाद्य वितरण सेंटर चालू। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जानवरों पर आफत, अब तक 5 गैंडों समेत 39 जानवरों की मौत। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश से सड़क पर आया पहाड़, मलबे में दबे 3 लोग, हाईवे बंद। हरियाणा के फरीदाबाद में नाबालिग से रेप का खुलासा, गर्भवती होने पर पड़ोसी की खुली पोल, लंबे वक्त से बुजुर्ग पड़ोसी कर रहा था यौन शोषण। गाजियाबाद में ऑपरेशन ग्रीन को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को किया ढेर। गाजियाबाद में एक लड़की के लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज, परिवार वालों को अपनी सहेली के साथ भाग जाने की आशंका। दिल्ली में पुलिस ने बैंक लूटने वाले गैंग को दबोचा, पुलिस को एक बैंक डकैती वारदात में थी इनकी तलाश। राजस्थान के धौलपुर में रेप और मर्डर केस में दोषियों को उम्र कैद, मामला 2016 का। दिल्ली में मीट कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का। नरसिंहपुर में पुलिस वाले की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, बात नहीं मानने पर दारोगा जी ने होटल के स्टाफ की धुनाई की। यूपी के बाराबंकी में फिरौती के लिए बच्चे के अपहरण से सनसनी, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल छुड़ाया, दो गिरफ्तार आरोपी मामू फरार। मुजफ्फरनगर में एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला, परिवार वालों को गांव के दो लड़कों पर शक। यूपी के मुजफ्फरनगर बना अवैध शराब का अड्डा, खुफिया सूचना पर आबकारी का छापा, सैकड़ों गैलन नकली शराब जब्त। गुरदासपुर में कर्ज की बोझ तले दबे किसान ने की खुदकुशी, बैंक का करीब 7 लाख बकाया, ना चुका पानी से था परेशानी। सीहोर में रोड छापा, रोमियो की आय शामत, स्कूल के बाहर मंडराते मजनुओं को पुलिस ने कराया उठक बैठक। महाराष्ट्र के अकोला में घर की नौकरी
नौकरानी ने तिजोरी में लगाया झाड़ू, 5 लाख नकदी लेकर रफू चक्कर। अलीगढ़ में यूपी शिक्षा के दावों की खुली पोल, स्कूल में बच्चे टीचरों के जूठे बर्तन मांजते आया नजर, वीडियो वायरल। फरीदकोट में बारिश से ऐतिहासिक नेहरू जेल की दीवार ढही, 1923 में नेहरू जी इसी जेल में किए गए थे बंद। वेस्टइंडीज दौरे पर, वनडे और टी20 सीजन में आराम नहीं लेंगे कप्तान कोहली, पहले आ रही थी विराट के रेस्ट लेने की खबर। अगस्त महीने में शुरू हो रहा है भारत का वेस्टइंडीज दौरा, पहले 3 T20 और 3 वनडे मैच की होगी सीरीज। धोनी के संन्यास को लेकर कयास, अब भी जारी वेस्टइंडीज दौरे के लिए 19 जुलाई को होगा टीम का सिलेक्शन। इंजमाम उल हक ने पीसीबी के चीफ सेक्रेटरी पर से दिया इस्तीफा, कहा जो कर सकते थे किया। कपिल देव के नेतृत्व में 3 लोग टीम इंडिया के कोच का चयन करेंगे, अभी आखिरी फैसला होना बाकी। पेरिस में राष्ट्रीय दिवस पर दिखा अनोखा नजारा, फ्लाइंग जवान ने दिखाया अद्भुत करतब। अमेरिका के एरिजोना में भीषण गर्मी से बेहाल हुए जानवर, चिड़ियाघर में लगाया गया AC। चीन में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है 377 नदियां, अब तक इस्तेमाल किए जा चुके हैं 2500 से ज्यादा रेस्क्यू मिशन। मेक्सिको के पोपोकैपेटल ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट, आसमान में छाया राख और काला धुआं। चाइना के गोबी रेगिस्तान में मोटर रैली में फर्राटे से दौड़ी गाड़ियां, 5000 किलोमीटर की रेस में 3 नए प्रतियोगी दिखा रहे हैं अपना दम। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।